आज देश कोरोना के साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई की भी मार झेल रहा है। यूपीए के समय में जो सिलेंडर 414 रुपए में था, आज उसकी कीमत 834 रुपए हो गई है। पेट्रोल और डीजल 100 के पार चले गए हैं। खाने का तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 95 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला सोयाबीन तेल 180 रुपए में मिल रहा है। 2013 में जो दाल 68 रुपए किलो मिल रही थी, आज उसकी कीमत 115 रुपए है। एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ सरकार लोगों को राहत देने की बजाय उन्हें लूटने में लगी है। जनता से करोड़ों अरबों टैक्स के जरिए वसूले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ पेट्रोल डीजल से पिछले 7 सालों में 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में सरकार जनता को राहत क्यों नहीं दे रही है।